नमस्कार, जय जगत। धर्म युद्ध हुआ था, उसको महाभारत भी कहते हैं, या ये यूं कहे कि महाभारत एक धर्म युद्ध था। तो कौन से दो धर्मों के बीच हुआ है ना, सवाल बराबर है। उस समय हिंदुस्तान में दो धर्म अस्तित्व में ही नहीं थे, सभी हिंदू थे, उनको हिंदू भी नहीं बोलते थे, यह शब्द भी नहीं कॉइन हुआ था, तब की यह बात है। तो धर्म युद्ध बहुत हो रहे हैं विश्व में, आज भी हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं। सेमेटिक वॉर्स जो है वो क्रिश्चियन और जू लोगों में हुए थे, फिर क्रिश्चियन और इस्लामिक लोगों में हुए, और अब जिस महाभारत का की बात कर रहा हूं वो है हिंदू धर्म के अंदर ही। इतना नहीं, एक जाति के नहीं, एक कुल के लोगों में हुए। तो कैसा हुआ यह धर्म युद्ध? यह हुआ कि अधर्म वृत्ति, या यहां पर धर्म मतलब कर्तव्य और अधर्म मतलब जो करना नहीं चाहिए वो करना। तो दुर्योधन ने जो करना नहीं चाहिए, लोग हित में नहीं है, दुष्टता अत्याचार इस प्रकार से वर्तन किया, तो उसके विरुद्ध था। और भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा कि उठा तेरा गांडीव और मार। तो ये हुआ था भाइयों के बीच हुआ। तो मानो एक प्रकार से यह मानवता के लिए हुआ युद्ध है, कि मानवता का संहार हो गया तो उसके विरुद्ध संहार करके ही, बहुत संहार हो गया, संहार करके ही उस अमानुषता का नाश करना पड़ा। लेकिन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान चाहते थे कि यह युद्ध ना हो। उन्होंने कृष्ण शिष्टाई नाम से बहुत प्रयत्न किया और यह युद्ध रोकने की कोशिश, दुर्योधन को बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि भाई ये लो वो लो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो माना ही नहीं। उसकी उद्दंडता बहुत थी, इसलिए वो हो गया। तो ये समझ लो कि धर्म युद्ध कोई दो धर्मों के बीच होने वाला युद्ध आवश्यक नहीं है, होते वो भी गलत है, और भाइयों के बीच होते हैं करना पड़ता है तो भी गलत है। ऐसे कोई उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, आक्रामकता, दूसरे के ऊपर पावर जमाना, एक्सप्लॉयटेशन करना, ये सब हम बोल चुके हैं, ये सब बातें अमानवीय है। तो अमानवीयता को रोकना ज्यादा अच्छा है, युद्ध करके उसको जीतना एक बात है, लेकिन अमानवीयता को रोकना ज्यादा आवश्यक है, वो हमारी कोशिश है। इसमें मानवता का प्रसार प्रचार और हर एक की वृत्ति में मानवता का आविर्भाव, ये आवश्यक है।